आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। मथुरा में हुए अंजू हत्याकांड में अभी तक नहीं मिला पीड़ित परिवार को न्याय, जबकि पुलिस के द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद अभी तक पीड़िता के परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है न्याय। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक पर लग रहे आरोपों के संबंध में बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास अंजू हत्याकांड से पहले दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था तो मैंने दोनों ही पक्षों से राजीनामा की बात कही थी। अंजू के हथियारों से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैंने किसी को कोई संरक्षण भी नहीं दिया है। ऐसा है, अपराधियों की गिरफ्तारी तो निश्चित होगी, परंतु जो विपक्ष के लोग मनगढ़ंत आरोप जो लगा रहे हैं वो निराधार गलत है, क्योंकि ये मेरी समाज के लोग हैं, इनमें आपस में झगड़ा 18 तारीख को हुआ था, जो 151 में बंद हो गए थे। दूसरे पक्ष के खिलाफ बाद में एक FIR हो गई थी, 452 लगी, और उसके बाद में दोनों पक्ष मेरे पास मेरे ऑफिस पे आए। दोनों पक्ष उन्हें कहा कि हम मोहल्ले में शांति चाहते हैं, जिसमें भीमा अन्य उनके साथ में पांच आदमी दोनों के थे, ये तय हो गया कि आपस में राजीनामा हम कर लेंगे। उसी दौरान मेरा इलाज नीति में चल रहा था, इंस्पेक्शन हो गया था पेशाब में और ब्लड में। उसके बाद में 1 तारीख को ये जानकारी आया कि लड़की की डेड बॉडी मिल गई और लोगों के खिलाफ FIR हो गई। उस दौरान मेरी इतनी तबीयत खराब थी, जाड़े से बुखार आ रहा था, और सोमवार की डेट मेरी पथरी के ऑपरेशन के लिए दे दिया था उन्होंने, लेकिन इस पथरी के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाया। हमारा किसी व्यक्ति अपराधी से या किसी से कोई लेना देना नहीं है। समाज के लोग आए, समाज के लोग फैसला चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है भाई आपस में फैसला कर लो। 151 452 थी कि जब आपस में दोनों सुलह कर लोगे, दोनों पक्ष, जब मैं इसको तय कराऊंगा कि भाई ठीक है लिखा पढ़ी कर लो, एक प्रतिलिपि आपके पास रहेगी, एक थाने में भेज दीजिए, एक जो पंचायत में मुखिया रहेंगे उनको दे दो। ये बात रही, ये बात रही, ये लड़की की हत्या होने से पहले की। लड़की की हत्या होने के बाद अब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तो नहीं, उसकी उसके लिए हम समाज के लोगों को से भी कह रहे हैं, अधिकारियों से, अभी मंत्री जी से भी मुलाकात की है, मंत्री जी से भी हमने कहा है कि सही अपराधी पकड़े जाएं, कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए और अपराधी छूटना नहीं चाहिए, ये हमने कहा है। उसके बाद परिजन प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के पास भी न्याय की गुहार लगाने गए, जहां श्रीकांत शर्मा मंत्री जी ने भी न्याय के लिए परिजनों को आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि मंत्री जी की बात को अधिकारी किस रूप में लेते हैं और पीड़िता को कब तक न्याय दिलवा पाते हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिस तरह से बच्ची की डेड बॉडी मिली है और जिस हालत में मिली है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो नाम इसमें है, नामजद जो लोग हैं, सख्त कार्रवाई हो। हाँ, काफ़ी दिन हो गए, इसमें जांच चल रही है और आज कप्तान से हम बात कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले ऐसा हमारा प्रयास है। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज़ YouTube पर
जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।